खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपकी समस्या, आपकी कठिनाई, आपकी कोई डिमांड है उसको बहुत जल्दी उसको पूरा करा सके। तो अब एक एक करके टोकन नंबर एक से हम शुरू करेंगे, ये रास्ता अगर थोड़ा सा खाली कर देंगे और जिन लोगों का और थोड़ा सा ना आप लेकर आ जाओ, यही कुछ नहीं फोटोग्राफर कुछ नहीं कहते, अरे यही तो नहीं तो उसके बाद कैंसिल हो गया, उनकी कंडीशन होगी कि अगर पैसा जमा नहीं कराएंगे तो कैंसिल कर देंगे, साथ में ये भी होगा कि आप जमा नहीं कराएंगे तो उस पैसे को जब्त कर लेंगे, कंडीशन ऐसी नहीं है, कितना पैसा काटेंगे। नरेश उसका डिपो हुआ या बंद हो गया? डिपो चल रहा है, आपको राशन मना कर दिया, कारण क्या? कुछ बताया तो होगा, आप बीपीएल की बात कर रहे हैं क्या? आपका पहले बीपीएल है क्या? दूसरा है ना, तो बीपीएल तो बढ़ेगा वो नहीं बढ़ाएगा, बीपीएल तो सरकार ने बढ़ाना है, बीपीएल के अप्लाई कर दो। अरे वो कुछ नहीं करेगा बीपीएल में, बीपीएल के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? बीपीएल का किस पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, कौन आएगा कोई है ना या पीछे दिखाई पड़ रहा है? और सरल पोर्टल, ई दिशा पोर्टल और सरल पोर्टल, ई दिशा केंद्र पर जी सर, आप ई दिशा के अंदर सरल पोर्टल यहाँ दफ्तर बने हुए हैं, वहाँ जाके बीपीएल के लिए अप्लाई कर दो और वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, सर्वे होकर के अगर आप उस आते होंगे तो आपका बढ़ जाएगा, वो नहीं बनाएगा कौन, डिपो होल्डर ही बनाएगा, डिपो होल्डर तो जिस दिन कार्ड बन जाएगा उस दिन वो उसका अनाज देगा, चला रखा था जो पैसे मांगे होंगे ना, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए डार्क जोन में अभी चूंकि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने जो कोई डार्क जोन घोषित कर रखा है उसको डिपार्टमेंट अभी कनेक्शन नहीं दे सकता, जो अभी पॉलिसी है सुन लो। अब मुझे है ज्ञान इस बात का लेकिन अब करें क्या, वो केंद्र सरकार ने कर रखा है। अरे मेरी बात सुन लो, ओ भाई मेरी बात सुन, अभी हमने नया बोर्ड बनाने की बात तय कर दी है कि हम स्टेट का अपना बोर्ड बनाएंगे, वाटर सेल बोर्ड अभी सेंटर के हाथ में, अब उसको हम सेंटर से अपने हाथ में ले रहे हैं, अपने हाथ में ले लेंगे, फिर दोबारा से जहां ऊंचा पानी है उसको डार्क जोन से बाहर निकाल देंगे और फिर कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? हाँ नहीं ये कर रहे हैं, ये हमें ध्यान में, ये विषय सुपर शिकायतें थी जिसमें से लगभग 150-200 के बीच में तो सीधी सीधी सुनी गई हैं, कुछ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी हैं और हमने सबको विश्वास दिलाया कि सबकी जो ग्रीवेंसीज हैं, जो समस्याएं हैं उसके ऊपर जो एक्शन है कार्रवाई की जाएगी, कुछ एक्शन तो मैंने हाथों किए हैं, कुछ सहायता की एप्लीकेशन थी, ऐसे 3-4 लोगों को सहायता भी दी है, एक तो बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये था, दो लोगों को गरीबी की हालत ऐसी थी 50,000 रुपये उनको दिया था, कुछ को डीसी महोदय को कह करके डीसी रेट के ऊपर कुछ लोगों को लगाने की बात थी, कुछ की सिलेक्शन प्रोसेस का विषय था जो हम एजी ऑफिस में कोर्ट के अंदर जो स्टे लगे हुए हैं एजी ऑफिस में कह करके उनके स्टे को जल्दी सुनवाई कराएंगे, कुछ लोगों के गांव के ज़मीन के मामले जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से डीसी साहब खुद ले रहे हैं, पुलिस के केसेस थे जो एसपी साहब ने कुछ की कार्रवाई कर दी है और कुछ की कार्रवाई अभी जो और आगे होनी अपेक्षित है वो कार्रवाई की जाएगी। सामान्यतया लोगों की जो जनरल शिकायतें हैं उन सबको समाधान करने के लिए एक सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें लगे हैं, सबकी समस्याओं का रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इस प्रकार की इंतकाल और रजिस्ट्री की शिकायतें, इंतकाल की तो एक ही शिकायत आई थी, कोई 8 साल पुरानी रजिस्ट्री थी जिसका इंतकाल नहीं हुआ था, वो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इनका इंतकाल हो जाना चाहिए, अगर कोई कठिनाई उनको आती है तो उनको लिख कर देंगे, अगर कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ है या पर्टिकुलर केस में कोई झगड़ा है, उनका कहना था कि सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ है जिसके कारण से वो अपडेट नहीं हुआ है, तो शिकायत का निवारण करेंगे 8 दिन में। मुख्यमंत्री जो सड़कों की जो समस्या है, डीएफएससी डिपार्टमेंट है, पहले भी आपके संज्ञान में आया होगा कि डीएफएससी अधिकारी द्वारा आटा घोटाला किया गया था, उनको बाद में जींद ट्रांसफर कर दिया गया था, दोबारा से उनको बुलाया गया और अब धान घोटाला सामने आया, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है, कहीं ना कहीं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जाँच ईमानदारी से निष्पक्षता से हो रही है, कार्रवाई होगी? देखिए जो शिकायतें आपको मिली हैं उसके हिसाब से कार्रवाई चल रही है, जो मिलिंग हो रही है जहाँ मिल्स हैं
उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, बहुत जगह पर ठीक पाई गई है, कहीं कहीं शिकायत भी है, लेकिन उसका अल्टीमेटली 1 तारीख के बाद जब सारा फिजिकल वेरिफिकेशन का आंकलन आ जाएगा उसके बाद उसका निर्णय करके जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी, एक सड़कों की समस्या आई है कि काफी लंबे समय से सड़कें ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, रोडा डाल दिया ऊपर कुछ डाला नहीं गया, काफी सड़कें काफी नहीं, एक गांव की ऐसी समस्या थी और एक वसंत विहार के अलावा एक गांव की भी थी, वो मार्केटिंग बोर्ड की वो सड़क थी, वो अधिकारियों को कह दिया गया उसका जल्दी निर्माण करेंगे। अब इतने सारे क्षेत्र के अंदर एक आज दो इस प्रकार की शिकायतें सामान्य बातें हैं, लेकिन उनका सबका निवारण डिपार्टमेंट को अपने आप करना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन जहाँ कहीं देर होती है तो जो शिकायतकर्ता आते हैं उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हैं। देखिए, कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं जिसमें कई प्रकार के जिसको ना जी अपने अपने स्टैंड पर लोग कायम रहते हैं, जो आपस में मिल बैठ के समझौता करने की बात होती है उसको आते नहीं है, तो जो बहुत ज़्यादा इस प्रकार की बातें बढ़ती हैं तो उसका कोई रास्ता निकल, रास्ता क्या होगा, उसमें क्या एक्शन हो सकता है वो डिपार्टमेंट लोग उसका तय करें। पिछले दिनों चिंतन प्रोग्राम हुआ था, आपने चिंतन प्रोग्राम किया क्योंकि करनाल में बीजेपी के हाथ से 2 सीटें गई हैं, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, आपने कहा क्या कमी है? देखिए, जो चुनाव होता है तो चुनाव के बाद निश्चित रूप से हर बात का विचार किया जाता है और जो भी पार्टी की ओर से फीडबैक आया उसमें इतना ही है कि आगे उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा, और जब लोकतंत्र में इस प्रकार का बड़ा ये मंथन होता है तो इस प्रकार के विषय सामान्यतः आ ही करते हैं, और मुझे तो इस बात की का संतोष है कि हम दोबारा से जीत करके हमने सरकार बनाई है। पिछले 14 चुनाव में हरियाणा में 12 बार सरकार रिपीट नहीं हुई, 2 बार सरकार रिपीट हुई है, 1 बार 2009 में और 1 बार अब 2019 में। 9 में 67 से 40 सीटों पर आ गए थे, हम 47 से 40 पर आए हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो सफलता का रेट ये ज़्यादा है। और फिर 2009 में कांग्रेस पार्टी का वोट काफ़ी मात्रा में घट गया था, ये पहला ऐसा चुनाव है जब किसी चुनाव में भले सीटें घटी हैं लेकिन वोट परसेंटेज हमारा 33% से 36% हो गया है, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा वोट बढ़ा है, डायरेक्ट फाइट कई जगह हुई है, डायरेक्ट फाइट के कारण से भाजपा के सामने वाली सब पार्टियां प्राय प्राय सब जगह पर इकट्ठी हुई हैं, तो 1:2 जैसे होता है बीजेपी वर्सेस ऑल, ऐसे चुनाव में सामान्यतः इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती हैं। सर, पिछले 2 साल में कई जगह बयान दे चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पिछले 2 साल में वातावरण अच्छा बना है और उस वातावरण के कारण से आया। धन्यवाद सर। प्रज्ञा।